हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने जो वीडियो थी उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा था, लेकिन ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा छोटे ऑब्जेक्ट्स की। कैसे दिखाएगा वो उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने दो लेंस यूज़ किए हैं। एक हमारे पास है स्मॉल फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस, हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड सेकंड हमारे पास है जो मॉडरेट फोकल लेंथ का है, जिसको हम आई लेंस या आई पीस कह सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों लेंसेज हमारे को एक्सियली प्लेस्ड हैं। दोनों लेंसेज को एक्सियली हमारे प्लेस्ड हैं, ठीक है। और जिस पर ये प्लेस्ड हैं को एक्सियली, वो हम ये लेके चलते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लेंथ हमारी एल है, उस पर ये हमारे प्लेस्ड हैं, ठीक है, कोएक्सियली। तो ये इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास C2 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारा, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई हमारे पास FO, ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ पर FO, और लेट कर लेते हैं कि आई पीस की फोकल लेंथ हमारे पास ये हो गई FE। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ए एंड बी नेम दिया हुआ है। यहाँ से जो रे हमारी पैरेलल आएगी, पैरेलल आने के बाद आपको पता है कहाँ से जाएगी, वो इसके फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने के बाद वो यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। और जो रे हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे वो सीधी चली जाएगी, तो वो सीधी जाएगी ऐसे, और ये यहाँ पर दोनों रेज मीट होंगी, तो यहाँ पर हमारी इसकी फाइनल इमेज बनेगी ए डैस एंड बी डैस, ठीक है, ए डैस एंड बी डैस। अभी जो ए डैस और बी डैस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये ए डैस बी डैस। तो ये इमेज कहाँ पर बनाएगा वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहले छोटे ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी बड़ी इमेज इसने बना दी, अब ये इसकी इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज ये बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो, एक रे हम सेंटर से भेजेंगे, तो जो रे हम सेंटर से भेजते हैं वो सीधी चली जाती है, ठीक है। इसको हमने इधर ड्रॉ किया, तो इधर जाकर ये रे हमारी ऐसे पहुंचेगी। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसकी फाइनल इमेज है वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा इससे आसानी हो जाती है कि पहले अगर हम इमेज डिसाइड कर लेते हैं, हालांकि इमेज तो ये बनाएगा खुद, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था कि डायग्राम हमारा बनाना इजी हो जाएगा। एक्चुअल में ये वाली जो रे आ रही थी ये यहाँ पर पड़ेगी, और यहाँ पर पड़ने के बाद ऐसे जाएगी, ये वाली जो रे आ रही थी यहाँ पर पड़ने के बाद ऐसे जाएगी। तो अब ये रेज इधर कहीं भी मीट नहीं होंगी, ये इधर ऐसे सीधी निकल जाएंगे, तो इधर तो इमेज बनेगी नहीं, कहाँ इमेज बनेगी, इधर इमेज बनेगी। तो हमने यहाँ पर इसकी इमेज बना ली ए डबल डैश, एंड इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया बी डबल डैश, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, और कैसे इसने, देखो, एक छोटे से ऑब्जेक्ट की पहले हाईली मैग्नीफाइड इमेज ये बना दी, इसकी ऑब्जेक्ट पहले ये बनी, फिर हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश बनी। तो अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई, इसकी हम मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको पता ही है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज ये बन रही है, और इससे जो ये एंगल हमारे पास बन रहा है, वो एंगल हमारे पास बन रहा है ये बीटा, ठीक है, बीटा एंगल हमारे पास बन रहा है। अब क्या कहता है डेफिनेशन में,
मैग्नीफाइंग पावर क्या, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज ने बनाया, टू द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारा इसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर जहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ए वन नेम दे दिया। तो ये हमारे पास इसके साथ जो सी के साथ एंगल बनेगा, ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा। तो हमें बीटा अपॉन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास टेन बीटा अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों टेन अल्फा। ठीक है, तो हमें टेन बीटा की और टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। एंगल्स हमारे स्मॉल हैं, इसलिए हमने बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिखा है। तो अब मैं टेन बीटा निकालूंगा यहाँ से और टेन अल्फा निकालूंगा। तो पहले मैं ले लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए वन बी डबल डैश सी टू, ठीक है, ए डैश क्या बोला, ए ये ले लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ये बड़ी वाली ट्राइंगल हो गई, ये वाली ट्राइंगल यहाँ से यहाँ और ऐसे। इससे अगर मैं टेन बीटा निकालता हूँ तो टेन बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस, तो सी टू बी डबल डैश सी टू बी डबल डैश। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए वन बी डबल डैश सी टू, ए वन बी डबल डैश सी टू, इस वाली ट्राइंगल से टेन अल्फा निकालो। अगर यहाँ से मैं टेन अल्फा निकालता हूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए वन बी डबल डैश, तो ए वन बी डबल डैश लगभग ए बी के इक्वल है, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ। अपॉन क्या हो जाएगा सी टू, यहाँ से यहाँ तक का सी टू बी डबल डैश, जो ए वन बी डबल डैश था उसको मैंने ए बी लिख दिया है। क्लियर, अब इन दोनों की वैल्यू उठाकर इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन वन, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है, इक्वेशन वन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन वन हमारे पास क्या होगी कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू टेन बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन बीटा की वैल्यू पुट करो क्या होगा, देखो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c टू b डबल डैश एंड a b अपॉन c टू b डबल डैश, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c, नीचे बच गया ए बी, ठीक है। तो हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन निकल कर आ गई इसकी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे जो मैग्नीफिकेशन मिली वो मिली ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है। नाउ इसमें मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ए डैश बी डैश से और डिवाइड कर लेता हूँ ए डैश बी डैश से। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि ए डैश बी डैश से हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड ए डैश बी डैश से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखो ये किसके इक्वल है, अगर इस हिस्से की बात करूं तो ये हिस्सा किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन हो गई, इन टू अगर मैं इसकी बात करता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आई लेंस के लिए हो गया, तो ये मेरे पास एम ही आ गया। यानी टोटल मैग्निफिकेशन जो मुझे यहाँ पर मिली वो मिली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई द मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन अगर मैं इसकी निकालता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस की तो कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी इसकी अगर मैं मैग्निफिकेशन जनरली इसकी निकालता हूं तो, ठीक है, मैं यहां से यहां तक v बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा vo और ये माइनस का uo, तो मैंने लिखा vo अपॉन माइनस का uo, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो गई। यहां से यहां तक इसने अपनी इमेज बनाई तो यहां से यहां तक तो हमारे पास हो गया vo और ये हमारे पास हो गया uo और uo कैसा होगा माइनस का। और मैग्नीफिकेशन जो एम ई है मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमने
सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप जो आईपीस हमने लिया था उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आई थी 1+D/FV। जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो देख लें, वहां से आपको आई लेंस की जो मैग्निफिकेशन है D/FV मिलेगा। डी हमारे पास क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है डी, नॉर्मल आई के लिए जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ओके तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन निकल कर आ गई इसकी। नाउ आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है ये कहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर प्लेस है, क्योंकि जो दोनों लेंसेज हैं वो इस लेंथ पर प्लेस है, यानी ट्यूब है उस पर कोएक्सियल ये दोनों प्लेस हैं। ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, एल है। तो अगर एल मैं यहाँ से देखूँ तो एल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक तो वी ओ बन रहा है, एंड प्लस यहां से यहां तक यू ई बन रहा है। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, वी ओ प्लस यू ई के इक्वल हमारा हो जाएगा, क्लियर, अगर ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज रह गई, ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला जब इमेज हमारी लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, इमेज हमारी लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो ये जो फॉर्मूला है हम लिख सकते हैं, दिस इज फॉर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। दूसरा इसको हम कह सकते हैं कि जब लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी तो वो स्ट्रेंड आई के लिए होगी, यानी आंख पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा उसको देखने के लिए, अगर वो 25 सेंटीमीटर पर हमने प्लेस किया हुआ, थोड़ा सा जोर पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये किसके लिए था, जब लीज डिस्टेंस पर बनी। अगर मैं सेकेंड केस लेता हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, तो क्या केस होगा, तो क्या केस होगा, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, इसके केस को लेते हुए। वैसे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ जनरली, तो मैग्निफिकेशन जो है वो वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट D/FE हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, कि लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है वो इतना आता था, और इमेज एट इन्फिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जिसको हम रिलैक्स्ड आई बी कह सकते हैं, उसके लिए मैग्निफिकेशन इतना आता था। बस अब डायग्राम में क्या होगा, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो जाएगा, इमेज ये जो रेज हैं ये हमारे पास ऐसे इसके पैरेलल चले जाएंगे, ये वाली एंड ये वाली, और ये इसके पैरेलल चले जाएंगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे इमेज एट इन्फिनिटी, इतना सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सेम डायग्राम होगा, सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।